नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन इज कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ रेन हैविंग मास वन ग्राम फॉलिंग फ्रॉम हाइट ऑफ वन किलोमीटर इट हिट्स द ग्राउंड विद अ स्पीड ऑफ फिफ्टी मीटर पर सेकेंड हमें बोला है कि टेक वैल्यू ऑफ जी एज टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सवाल ये है फाइंड द वर्क डन बाय पहला ग्रेविटेशनल फोर्स दूसरा बाय रजिस्ट्री फोर्स इन एयर और ये हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं कि वन पॉइंट टू फाइव झूल माइनस Uh, 8.25 जूल 100 जूल या 8.75 जूल एंड ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं सिंपल सवाल है वर्क पावर एनर्जी जो अपनी वर्क एन थोरम होती है उसकी एप्लीकेशन है uh, एक बार मैं अपनी मॉडिफाइड वर्क एरम फिर लिखता हूँ उसको एक बार देखते हैं तो मॉडिफाइड वर्क एंथरम अपनी ये कहती है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय फोर्सेस विल बी इक्वल टू डेल्टा पी प्लस डेल्टा के ये आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है ना इसमें हमारे को सूडो uh, फोर्स का वर्क डन ज़ीरो है और यहाँ एक्सटर्नल का वर्क डन जीरो है हमें जो बताना है वो बताना है कि नॉन कंजर्वेटिव का वर्क डन कितना होएगा ये बताएं और ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन कितना होएगा एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स का डन इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो सबसे पहले तो वो काम कर लेते हैं कि डन बाय uh, आपका ग्रेविटेशनल फोर्सेस uh, जो आएगा या वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज आएगा दैट विल बी माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सो दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल सो ये आपकी वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज आ जाएगा सो यहाँ पे अगर आप माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी फाइनल लिखें तो हमारी uh, जो ड्रॉप है वो एक किलोमीटर से नीचे गिरी है और वो जमीन पे आई है तो उसकी वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल हो गई जीरो और इनिशियल थी एम जी एच सो इसकी वैल्यू रख दोगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेस आ जाएगा ये हो जाएगा प्लस मास उसका दिया हुआ हमें वन ग्राम सो दिस विल बी इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस थ्री जी की वैल्यू 10 और हमारा जो डिस्टेंस है दैट इज़ वन किलोमीटर सो दैट विल बी 10 टू द पावर थ्री यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया 10 जूल तो ग्रेविटेशन ने uh, उसके ऊपर 10 जूल का काम किया है Right. So this is part one. Now, uh, अगर आप सिर्फ इसी बेसिस अपने चार देखेंगे, तो ऑप्शन नंबर लाइक द राइट आंसर बिकॉज दैट द ओनली ऑप्शन जहाँ पे आपका प्लस जूल का वर्क डन ग्रेविटेशन का दिया हुआ है बट लेट्स डिराइव द सेकेंड पार्ट एज वेल उसको भी एक बार चेक और वेरीफाई कर लेते हैं नाउ हम ये जानना चाहते हैं कि वर्क डन बा फोर्सेज क्या होगा क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में हमें और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई है तो हम इसको लिखेंगे कि वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होएगा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन कनेक्टिक एनर्जी है सो यहाँ पे आपका वर्क डन बाय ये सेकेंड पार्ट है वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज होएगा डेल्टा पी ई प्लस डेल्टा के ई ठीक है सो डेल्टा पी अभी हमने देखा यहाँ वर्क डन बाय जो ये आया डेल्टा फाइनल माइनस इनिशियल यह आपका टेंजूल तो यहाँ पे लग जाएगा माइनस टेन का साइन माइनस टेन प्लस यहाँ पे जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है उसको चेंज हम लिखेंगे हाफ एम फाइनल वेलोसिटी हुई उसकी वी स्क्वायर माइनस जीरो बिकॉज हम ये मानेंगे कि ग्रेविटी ने उस ट्रेन ड्रॉप को नीचे खींचा वेन इट स्टार्टेड स्टार्टेड 0 ज़ीरो सो बस यहाँ वैल्यू रख देनी है सो दिस विल भी इक्वल टू माइनस टेन प्लस हाफ़ मास उसका हो गया टेन टू द पावर माइनस थ्री और यहाँ जो मैं वेलोसिटी एज्यूम करने को कहा है दैट इज़ फिफ्टी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर सो इसे सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा सो दिस विल बी माइनस टेन प्लस ये हो गया हाफ टेन टू द पावर माइनस थ्री इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बी ट्वेंटी फाइव इंटू टेन टू द पावर टू सो इसे सॉल्व करेंगे सो so, ये हो गया टेन टू द पावर माइनस वन ये बना uh, टू 2.5 फाइव का आधा वन पॉइंट सेवन फाइव सो ये आ गया माइनस टेन प्लस वन सो इसकी जो वैल्यू हो गई आपकी वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस उस वैल्यू आ गई माइनस टेन प्लस वन यानी कि माइनस एट जूल सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी वुड बी द राइट आंसर